YouTube से लोग पैसे कैसे कमाते हैं। काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि आखिरकार YouTube लाखों लोगों को लाखों पैसे किस प्रकार से दे रहा है और कहां से दे रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंदर। आपको पूरा प्रोसेस मैं समझा दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो में, आप उस प्रोसेस को पूरा समझ भी जाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये इस वीडियो के अंदर बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं यूट्यूब प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, जीमेल अकाउंट, या तो हमारे पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है तो ठीक है, या फिर आप न्यू अपना जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। अपने मोबाइल में सबसे पहले जीमेल का अकाउंट बनाना है, उसके बाद क्रिएट यूट्यूब चैनल। आपको यूट्यूब के अंदर जाना है और अपना चैनल बनाना है, या तो आप अपने नाम से यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं कि मैं मेरे नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल बनाऊंगा, या फिर आपको यूनिक नेम रख सकते हैं अपने यूट्यूब का चैनल का नाम। नाम भी आपको ऐसा रखना है कि ऑलरेडी उस नाम से यूट्यूब पर कोई भी चैनल ना हो। तो यूट्यूब पर जाने के बाद आपको चैनल बनाना है, बना भी लिया है। थर्ड स्टेप आता है सेटअप सेटिंग। अब जो भी आपने चैनल YouTube पर बनाया है उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ताकि YouTube को इन्फॉर्म हो सके कि इस बंदे ने अपना एक YouTube का चैनल बनाया है और इसकी ये कैटेगरी है। तो उसकी सेटिंग्स होती है कुछ चैनल की, वो हमें क्रिएट करनी होती है, सेटअप करनी होती है। फोर्थ नंबर आता है कंप्लीट लिमिट। इसका मतलब है हर कंपनी की एक लिमिट होती है जिसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूट्यूब की एक लिमिट होती है जिसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है, देखो, डेली वीडियो अपलोड। हमको जो भी हमने यूट्यूब पर चैनल बनाया है उसके अंदर हमको डेली एक वीडियो अपलोड करना है। वीडियो भी ऐसी अपलोड करनी है जिसका सीओ, टाइटल, थंबनेल और टैग्स वगैरह अच्छे तरीके से हो, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा वायरल हो सके। यदि आप टाइटल, थंबनेल जो ये चीज नहीं जानते, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि थंबनेल, वीडियो और टाइटल डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। जो सेकंड आता है वो है 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर का मतलब है यूट्यूब, जो भी हमने यूट्यूब पर अकाउंट बनाया है उसके अंदर 1000 लोग ज्वाइंट होना चाहिए हमारे चैनल के अंदर। सेकंड नंबर आता है 4000 वॉच टाइम घंटा। इसका मतलब है जो भी हमने यूट्यूब पर अकाउंट का चैनल बनाया है उसके अंदर जो भी हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो सारी वीडियोस को मिला के एक साल के अंदर 4000 लोग हमारी वीडियोस को देखना चाहिए। इसका ये मतलब है 4000 वॉच टाइम घंटा, एक साल के अंदर 4000 लोग हमारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो दोनों लिमिट आई ये हमारी कंप्लीट हो जाती है अगर हम डेली वीडियोस को अपलोड करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब का क्राइटेरिया कंप्लीट होता ही नहीं है, हो जाता है 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर। कुछ कभी कभी देखा है कि आपने ओनली 3-4 मंथ के अंदर बंदा कामयाब हो जाता है यूट्यूब के अंदर, जो लिमिट है वो कंप्लीट कर देता है ओनली 2-3 मंथ के अंदर अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, जो हमने ये लिमिट है, ये 3 लिमिट हमने कंप्लीट कर दी यूट्यूब की। उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमने जीमेल का अकाउंट बनाया था, सबसे पहले यूट्यूब कंपनी एसएमएस सेंड करती है उस जीमेल अकाउंट पर, जो आपने सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाया था उसके अंदर एक यूट्यूब कंपनी एसएमएस सेंड करती है। उस एसएमएस के अंदर लिखा होता है कि आपने हमारी जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया है, वो पूरा कर लिया है आपने, अब आप इसके अंदर बैंक अकाउंट ऐड करके अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट आईएफएससी जो भी हमारी डिटेल होती है वो हमने डिटेल डाल दी उस एसएमएस के अंदर। उसके बाद स्टार्ट अर्निंग, हम पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं चैनल मोनेटाइज। आपने ये नाम तो सुना ही होगा कि चैनल, इस बंदे का चैनल मोनेटाइज है, तो मतलब इस बंदे ने ये सारी कंप्लीट चीज कर ली है जिसको हम बोलते हैं चैनल मोनेटाइज। तो इस तरीके से हम YouTube से पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि YouTube से पैसे किस प्रकार से आते हैं। देखो यहां पर आता है स्टार्ट एड ऑन वीडियोस। जो भी हमने वीडियोस बनाई है, जो भी हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर YouTube कंपनी क्या करती है कि एड डाल देती है, मसूरी करने लग जाती है हमारी वीडियोस के अंदर। आपने देखा हो कि जब भी हम YouTube पर वीडियोस को देखते हैं, सबसे पहले जो भी एड आती है तो उस बंदे का चैनल मोनेटाइज हुआ होता है,
जो भी ये जो लिमिट होती है, जो क्राइटेरिया है, उसने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, जो भी उस बंदे पर जो एड आई सबसे पहले, तो उसी एड के यूट्यूब कंपनी पैसे देती है। उसके बाद क्या होता है, एवरी वीडियो डिफरेंट अर्निंग। इसका मतलब है जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज हैं उन सब में अलग अलग वीडियोज, अलग अलग वीडियोज की एड आएगी। जिस कैटेगरी से आप वीडियोस बना रहे हो उसी कैटेगरी पर वहां पर एड आएगी, और उसी एड से आपको पैसे आएंगे कि इस बंदे की 1 month के अंदर इतनी एड दिखाई गई है, तो उसी एड के पैसे मिलते हैं ओनली अलग अलग वीडियोस के ऊपर। ऐसा नहीं कि सारी वीडियो पर एड आएगी तो उसको मिलेंगे पैसे, नहीं, हर वीडियो पर जितने उसके व्यू आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, उसके इतने ही एड आएंगी और उतनी ही इसकी अर्निंग होगी। उसके बाद इनके सब्सक्राइबर, इसके बाद जो चैनल है वो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने आप ही बढ़ने लगते हैं यूट्यूब के अंदर। उसके बाद होता है इंक्रीज व्यू, जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारे व्यू भी काफी हो जाएंगे, दो दो 3 लाख मिलियन में चले जाएंगे। उसके बाद है इंक्रीज रीच, जो हमारी रीच है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। रीच इंक्रीज लाइक्स, जो हमारे लाइक्स है वो भी काफी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और यूट्यूब कंपनी ओनली पैसा देती है सिर्फ एड के ऊपर। जो भी वीडियोस हमारी होती है, जब सबसे पहले जो एड चलती है उसी के पैसे यूट्यूब कंपनी देती है। तो शायद आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया हो कि यूट्यूब कंपनी पैसे किस प्रकार से देती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।